बड़ी खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम। आज पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र का करेंगे दौरा, लोगों की समस्याओं और आवेदनों का करेंगे निराकरण। शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में लेंगे फीडबैक। पाली में विभिन्न समाज के प्रतिनिधि मंडल से करेंगे भेंट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दिलीप साहू रायपुर से जुड़ गए हैं। दिलीप, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी? जी कविता, बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी प्रदेश व्यापी दौरे पर हैं और इस दौरान वे अलग अलग विधानसभाओं में जाकर वहाँ जनता से रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं का यथासंभव निराकरण भी कर रहे हैं। इसके अलावा उनके मांगों के अनुरूप विभिन्न घोषणाएं भी कर रहे हैं और जिन जिन विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच रहे हैं उन विधानसभाओं में रात भी व्यतीत कर रहे हैं और इस दौरान वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों, संगठन के प्रमुखों के अलावा समाज प्रमुखों के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं और उनकी मांगों को भी सुन रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो भी समस्याएं आ रही हैं, खास करके जो अधिकारियों से रिलेटेड जो शिकायतें हैं, उसमें तत्काल कार्रवाई भी की जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं अधिकारी भी सचेत है और शासन की योजनाओं का फीडबैक भी ले रहे हैं, क्योंकि शासन की विभिन्न योजनाएं जो चल रही, चाहे नरवा गरवा घुरवा बारी की बात करें, गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी की जा रही है, गौमूत्र की खरीदी की जा रही है, वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट जैसे खादों का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके अलावा उन क्षेत्रों में जो राजस्व की स्थिति है, राजस्व जो पटवारी कार्यालयों की स्थिति है या शिक्षा विभाग की स्थिति है, स्वास्थ्य विभाग की स्थिति है, इन तमाम चीजों का वे फीडबैक भी ले रहे हैं कि वो शासन की तमाम योजनाएं जो राज्य सरकार बना रही है वो लोगों तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। इसके साथ ही साथ अभी धान खरीदी का सिलसिला भी चला है, तो धान खरीदी का स्थिति कैसा है, राजीव गांधी न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार धान के दाम में समर्थन मूल्य के अलावा इनपुट सब्सिडी भी दे रही है प्रति एकड़ 9,000 रुपए, तो इसका भी मूल्यांकन कर रही है। साथ ही साथ जो लोगों की मांगे आ रही है, चाहे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की मांग की बात हो या फिर सामुदायिक केंद्रों की मांग हो या फिर दूसरी सड़कें या दूसरी जो सुविधाओं की मांग हो, उन सुविधाओं को भी निराकरण करने के तत्काल निर्देश भी दे रहे हैं। और छोटी छोटी समस्याएं, किसी की इलाज की समस्या है, दूसरी समस्या है, उसको तत्काल निराकरण भी किया जा रहा है। वही बड़ी जो मांगे हैं उसके लिए आगामी उनको आश्वासन दिया जा रहा है, घोषणाएं की जा रही है और आगामी बजट में उसको रखकर उसका निराकरण करने की बात भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कही जा रही है। इस तरह से अलग अलग विधानसभाओं का लगातार दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र का दौरा है और वहां पर पिपरिया और लाफा करके दो अलग अलग गांवों में उनका भेंट मुलाकात होगा ग्रामीणों के साथ। दोपहर करीब 12 बजे से भेंट मुलाकात का कार्यक्रम शुरू होगा एक गांव में, उसके बाद एक घंटे बाद दूसरे गांव पहुंचेंगे। तो इस तरह से दोनों गांव में जनता से रूबरू होंगे, उनकी समस्याओं और शिकायतों का निवारण करेंगे। साथ ही साथ देर शाम को वो पाली में ही रुकेंगे और पाली में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है और विभिन्न समाजों के प्रमुख हैं उनके साथ भी मुलाकात करेंगे, उनके साथ उनकी समस्याओं को जानेंगे, उनका भी निराकरण करने का प्रयास करेंगे और रात्रि विश्राम पाली तानाखार में ही करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जी बिल्कुल। दिलीप, यदि बात करें आम जनता से भेंट मुलाकात कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल, किस तरह की समस्याएं शिकायतें सामने निकल कर आ रही हैं आम जनता की? आमतौर पे आम जनताओं की छोटी छोटी मांगे हैं वहाँ की, स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर या फिर स्कूल को लेकर या और दूसरी मांगे, या कुछ लोगों की जो व्यक्तिगत मांग भी है किसी की इलाज को लेकर या दूसरी चीज़ों को, तो व्यक्तिगत मांगों को तत्काल निराकरण किया जा रहा है। वहीं सामाजिक मांगे जो आ रही है, सामुदायिक रूप से जो मांगे आ रही है, उसको मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम के दौरान घोषणाएं भी कर रही है। साथ ही साथ क्योंकि उस विधानसभा में रात बिताते हैं और दूसरे दिन उस विधानसभा की तमाम कार्यों के साथ बैठक कर समीक्षा भी करते हैं, जैसे हमने देखा कि कल ही जब वे सिहावा विधानसभा का दौरा पे थे तो वहां भी कल सुबह सिहावा विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों के अलावा अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की और वहां जो शिकायतें आई, खास करके तहसीलदार को लेकर जो शिकायत आई, उनको पदमुक्त कर दिया गया, तत्काल उनको हटाने के निर्देश दे दिए। इसके अलावा जो मांगे आई है उनके अनुरूप विभिन्न लोकार्पण और भूमि पूजन की सौगातें भी दे रहे, बहुत सारे जो विकास के कार्य है उसकी भी
लोग आते दे रहे, करीब 60 करोड़ से अधिक की राशि धनराशि सिहावा विधानसभा क्षेत्र में दिया। इसी तरह अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जहां जहां वे दौरे करें, अभी तक करीब 60 के आसपास के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं, पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करना है, इस दौरान भेंट मुलाकात की जा रही है। साथ ही साथ उस क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के रिपोर्ट कार्ड भी उनको मिल रहा है कि वहां के विधायक किस तरह से काम कर रहे हैं, जनता से रूबरू हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, इन तमाम चीजों को फीडबैक भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले रहे हैं। और उन्होंने कहा भी है कि जिनकी रिपोर्ट कार्ड अच्छी नहीं आएगी, जिनके परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, उनकी टिकट काटी भी जा सकती है आगामी समय में, तो उन्हें सुधारने का मौका भी दिया जा रहा है, उन्हें चेतावनी दिया जा रहा है कि अब तक की जो स्थितियां है वो जनता के साथ जाए, तमाम उनके कार्यक्रमों में शामिल हो, उनकी समस्याओं को सुने और उसका निराकरण के लिए यथासंभव प्रयास करे। इस तरह से मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात न सिर्फ जनता से रूबरू हो रही, साथ ही साथ सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेने के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो किस तरह से काम कर रहे हैं इसका भी जायजा इस भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी का आपको धन्यवाद दिलीप, आप बने रहेगा, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे।